यीशु को जन्म। यूसुफ नौ का एक आदिम का दगड़ी मरियम की मांगण वे छे। जब वे सुनी कि मरियम गर्भवती छ, तो ऊ जान दु छो कि ऊ वे को बच्चा नी छ। पर ऊ मरियम थे बदनाम नी कंचान छो, इले वेल वी पर दया करने की और चोरी चुप के वी थे छोड़ने की सोच। पर यहां से पहली कि वो इन कर दो, एक स्वर्गदूतल वे का सपने में ऐ के वे बटी बात कहरी। वे स्वर्गदूतल बोली, हे यूसुफ, मरियम ते अपनी जनन का रूप में लेके आण से निडौर। वी की गर्भ में जो बच्चा छ, वो पवित्र आत्मा की तरफा भेटी छ। वह एक नौना ते जन्म दियाली, वे को नौ यीशु रखे, जहाँ को मतलब छ यहोवा बचान। किले की वो लुख होते उनका पापो बेटी बचा लो। तब यूसुफ अल मरियम बेटी ब्यो कैरी अरवी थे अपने जनन का रूप में अपना घर लेके ए। पर वी का बच्चा थे जन्म दिन तक ऊवी दगिड़नी से। जब मरियम को बच्चा थे जन्म दिन को भगत नजीक आई, तो वी लार यूसुफ अल बैतलहम जान की एक लंबी यात्रा कैर। ऊ ते ऊख जान ही छो किले की रोमी अधिकारी इसराइल में रहने वाला सभी लोगों की गिनती कर चांद छा। ऊ चांद छा कि सभी लोग ऊख जा जख ऊँ का पुराण रौंद छा। राजा दाऊद को जन्म बैतलहम में वे छो, और ऊ मरियम और यूसुफ दुयों को पुराणों में बैठी छो। मरियम और यूसुफ बैतलहम गैनी, पर ऊख जानवरों ते रखने की जगह का अलावा ऊँ का रुकण को और कोई जगह नहीं छे। वही जगह छे जख मरियम अल अपना बच्चा ते जन्म दीन। वीन वे ते चौरीमा पुड़े दीन किले की ऊख कोई बिस्तर नहीं छो। ऊल वे को नौ यीशु रख। वी रात ओख समणी का ही पुंगड़ा मा कुछ चरवाहा अपड़ा ढिबरों की रखवा लिखना छा। तब झट एक चमकीलो स्वर्गदूत ऊँ पर प्रगट वे और वो डर गिन। वे स्वर्गदूतल बोली, डरा ना, किले की मी म तुमको अच्छी खबर छ, बैतलहम मा मसीह प्रभु को जन्म हुएगे। जय के वे नौना की खोज कैरा और तुम वे थे कपड़ा मा लिपटियों पहले। झटले आसमान स्वर्गदूत हो बेटी भरे गे। ऊ पिता परमेश्वर की स्तुति खाना छा। ऊल बोली, सैरी महिमा स्वर्ग में बैठन वाला पिता परमेश्वर ते मिलो। पृथ्वी पर ऊ लुखो मा शांति हो, जो कि ऊ चिंता कर दी। तब स्वर्गदूत चल गिन। ऊ चरवाह भी अपना ढिबरू ते छोड़ के नौन थे देखण को गए न। जल्दी ही ऊ वी जगह पर पहुंचन जख यीशु छो, और ऊ लुए ते चौरी मा पोड़ियों पाई जन की स्वर्गदूतल बोल छो। ऊ बहुत खुश छा। तब ऊ चरवाहा उख बटी वापस लौट गिन जख ऊ का ढिबरा छा। ऊल जो कुछ भी सुनी और देखी, ऊ सभी चीजों को पिता परमेश्वर की स्तुति करना छा। पूर्व दिशा में दूर एक देश में कुछ आदिम छा, ऊल गहणों पर पढ़ाई कैर छे, और ऊ बहुत बुद्धिमान छा। ऊल एक अजान गहण ते आसमान में देखी। ऊल बोली कि यहाँ को मतलब छ कि यहूदियों का एक नयो राजा को जन्म हुएगे। इले ऊल वे नौना थे देखण को अपना देश बटी यात्रा करने को फैसला कर। एक लंबी यात्रा का बाद वो बैतलहम एन और वे घर ते पाई जख यीशु और वे का वैभव ठहरिया छा। जब यूं आदमियों ले यीशु ते अपनी वे का दगड़ देखी, तो ऊल घुंड टेकिन और आराधना कर। ऊल यीशु ते कीमती उपहार दीन, फिर वो अपना घर वापस लौटेन। मत्ती अध्याय एक, लूका 2:1 बाइबल की कथा।